कि तुम भी विश्वास कर ले कि तू बच जाएगा. जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा, जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा. आप किन में से है, विश्वासी है कि अविश्वासी है? व्यवस्था विवरण 18:19 और जो मनुष्य मेरे वो वचन जो मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा. सुनो यहाँ पर यीशु मसीह की बात हो रहा है, वचन को यीशु मसीह से तुलना कर रहा है. बोला और जो मनुष्य मेरा वो वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा तो मैं उसका हिसाब उसे लूंगा. उसका मतलब जो विश्वास करेगा आपका हिसाब आप से नहीं लिया जाएगा, परमेश्वर यीशु मसीह से लिया जाएगा. जो विश्वास नहीं करेगा बोलता है उसका हिसाब मैं उसी से लूंगा, यानी जितने वो पाप किया वो लिखा हुआ है, लेकिन जो विश्वास करेगा उसके सारे पाप मिल गया. क्योंकि तेरा मेमना जो है तुझे बचा दिया, तेरे सारी पाप उसके ऊपर डाल दिया, तू आजाद हो गया. आपकी सारी पाप मेमना के ऊपर डाल दिया. अब बाइबल बोल रहा है जो विश्वास करता है उसका लेखा मैं उसे नहीं लूंगा, मेमना से ले लिया, मेमना से ले लिया. अब जो विश्वास नहीं करता है उसका लेखा, उसका पाप, उसका विचार, उसका जो भी चीज वो किया है मैं उसी से लूंगा. जो नहीं सुनेगा यानी जो विश्वास नहीं करेगा वो अपने खुद के पाप का बोझ उठाएगा, वो अपने खुद का पाप का बोझ उठाएगा. कितने लोग अपने पाप को अपने ऊपर उठाना चाहता है? हाथ मत उठाना, तो मूर्ख है भाई. अगर आपने उठाया तो महामूर्ख है. आप नहीं जानते आप कहां से बच गया, भयानक क्रोध से बच गया भाई. जैसा तू शरीर से बाहर आएगा तो पता चलेगा ये चीज तूने क्या पाया है. जब तू शरीर छोड़ेगा तब पता चलेगा तूने क्या पाया है. और जो विश्वास नहीं करता जब शरीर छोड़ेगा वो पता चलेगा उसने क्या खोया है. कोई लोग बोलता है पास्टर मैं कलीसिया नहीं आता, क्या हो गया भाई? उस बहन ने मुझे खुजली कर दिया. तो उस बहन ने तुझे बचाया? उस बहन तेरे लिए मरा है? वो बहन तेरा मेमना है? तू मूर्ख है, तू मूढ़ है. उस बहन ने तुझे बचाया नहीं, उस बहन तेरे पाप के लिए सूली पे चढ़ा नहीं, उस भाई तेरे लिए सूली पे चढ़ा नहीं, यीशु चढ़ा तेरा मेमना. अब तेरा उत्तरदायित्व है भाई, इसम पकड़ के रखो, मैं बना रहूंगा. भविष्यवाणी का वर्णन क्या है? जो नहीं सुनेगा वह अपने खुद के पाप का बोझ उठाए. इसका मतलब तूने जो स्वीकार किया, यीशु को ग्रहण किया, यीशु को उतार लिया है, तेरा पाप का बोझ तू नहीं उठाएगा, यीशु उठा लिया है, तू आजाद है. पूरा कहां हुआ? प्रेरितों के काम 3:22 जैसा मूसा ने कहा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा जैसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना. प्रथम काम 3:23 परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने, उस यानी यीशु का न सुने लोगों में से नाश किया जाएगा. सवाल एक ही है, कितने ने यीशु को अपनाया है? अब यीशु को अपनाया बच गया, यीशु को ठुकराया. क्रोध तेरे ऊपर है, क्रोध का तलवार तेरे ऊपर है. नहीं बोलेगा मेरा नाम पीटर है, तू जल्दी जा, पहले जाएगा तू गड्ढे के अंदर. नाम पीटर पीके टुल्लू कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा नाम कौन सा है? फर्क यही है कि तेरा यीशु 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 अंदर में बसाया है कि नहीं. अब मैं डर का गुलाम, खुदा की संतान हूं मैं. प्रभु आपको नया नस दे रहा है, प्रभु तुमने नवी नस आपी रहा है. आमेन. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. शैतान आपको डरा कर कह दिया कि आपको खत्म करेगा. वो आज आपसे कह रहा है, आपको नया जीवन दे रहा है. शैतान तुमने डरावी ने कही रहो छे के तने हूँ खत्म करी नाखीश. प्रभु आज आपको नया जीवन, आज प्रभु तुमने नव जीवन आपी रहा छे. Amen. कई बार आपके आवाज आकर बोल रहा है, डरावने आवाज आता है, आप डर जाता है, खत्म हो जाएगा. लेकिन प्रभु आज आपसे बोल रहा है आप डरेगा नहीं, आप खत्म नहीं होगा. प्रभु आपको नया जीवन दे रहा है, आज से आपका नया जीवन चालू हो रहा है. घनी वक्त
ડરાવણા અવાજ તમારા મનમાં આવે છે કે છે તને ખતમ કરી નાખીશ ખતમ, પણ પ્રભુ આજે કહે છે હું તને ખતમ નહીં થવા દઉં, હું તને નવું જીવન આપીશ. થેન્ક યુ લોર્ડ જીસસ. પ્રભુ ઈશુ તમારો આભાર. પ્રભુ કા હાથ આપકે ઉપર મે દેખ હાથ તમારા પર હું જોઈ રહ્યો છું. હાલેલુયા હાલેલુયા. ઠીક છે, હાથ ઉઠાવો, હાથ ઉઠાવો, હાથ ઉઠાવો. યસ, હાથ ઉઠાવો. યેશુના નામ સ્પર્શ કરો પ્રભુ. આમેન. પ્રભુને આપકો આઝાદ કે હાથ ઉઠો. પ્રભુ કો ધન્યવાદ દો. ઉઠો 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 ઉઠો. અહીંયા જુઓ જો મુજે દેખ રહે ઇનકે આંસુ કો દેખો. જેઓ મને જોઈ રહ્યા છે એમના આંસુ ને તમે જુઓ. આંસુ કો દેખો ઇનકા. એમના આંસુ ને તમે જુઓ. આમેન. આમેન. એ જાનતે હે કહાં સે આઝાદ હુઆ, કહાં સે આઝાદ. તેઓ જાણે છે ક્યાંથી તેઓ આઝાદ થયા, છુટકારો પામ્યા. કિસ ગડ્ઢે મે ફસે તે પરમેશ્વર ને ઉને આઝાદ. કેવા ખાડામાં તેઓ ફસાયેલા હતા ને ત્યાંથી પ્રભુ એ તેમને આઝાદ કર્યા છે. આંસુ કો દેખો ઇન આંસુ. એમના આંસુ. This is so precious. Yes. Amen. Glory to God. Hallelujah. This is so precious. બચ્ચા, આપ આઝાદ થયા છો. પ્રભુને આપકો આઝાદ કર્યા. પ્રભુએ તમને આઝાદ કર્યા છે. હાલેલુયા. પ્રભુને આપકો નયા જીવન દીધું. પ્રભુએ તમને નવું જીવન આપ્યું છે. બચ્ચા, આપકા નસ ખુલ ગયા. યુ નો, નયા નસ મિલ ગયા. તમારી તમને નવી નસ ગયા. અદ્ભુત જીવન કરો. આમેન. અદ્ભુત અદ્ભુત જીવન. આમેન. આમેન. મેં દેખ રહા મોટા હો રહા હે. હા. આમેન. આગે મોટા હો રહા હે. તમારે હવે
જાડા થવાનું છે હું જોઈ રહ્યો છું તમને એવું જીવન પ્રભુ થેન્ક યુ લોર્ડ જીસસ હાલેલુયા જીસસ હાલેલુયા પ્રેજી એ બેન દેખ રહી હે ઇનકા પતિ હે યે કહે રહી હે જબ સે ઇનકા ડીલે मतलब वो नस में मतलब पूरा टसक खींचने लगा तब से उनको बीमारी चालू हुआ और कह रहे कि यहाँ से अहमदाबाद में सारे डॉक्टर किए डॉक्टर को किसी भी डॉक्टर को ही बता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है इनको रिपोर्ट तो नॉर्मल थे फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि उनका नस इनको मालूम था कि नस और पेड़ मतलब सीधा नहीं कर पा रहे थे चल भी नहीं पा रहे थे बराबर से 1,00,000 तक खर्चा किया उन्होंने फिर भी कोई आराम नहीं था कोई डॉक्टर ने ठीक नहीं किया और ऐसे जब अभी चली ऐसे चली पाती नहीं थी लेकिन जैसे अभी अपने इनके लिए प्रार्थना किया ये आसानी से बिना सपोर्ट के चल पा रही है इसके बात करता है थैंक यू लॉर्ड हालेलुया आमेन उठो उठो चलो 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 कोई बात चलो 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 वाह हालेलुया फिर से ताली बजा के जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया प्रेज ये बहन कब से चली जा रही क्योंकि 1.5 साल के बाद अभी पहली बार ऐसे हालेलुया प्रभु की शांति में जाओ प्रभु ने आपको आजाद किया प्रभु की शांति में जाओ प्रभु ये तुमने ये शुरुआत कैसा हुआ प्रभु मुझे दिखा रहा है ये कैसे शुरुआत हुआ किस रीते शुरुआत थी ये प्रभु मने बता भी रहा है आमेन आपके जैसे सिर में एक भारीपन से आया तुम्हारा ऐसा कोई चीज मैं देख रहा हूँ अचानक इस सिर में आया તમારા આપકો સમજવાને પહેલા એકદમ ભારી વજનદાર જેવો તમને અનુભવ લાગ્યો કોઈ જેસે કોઈ બાંધ કેસા જેવી રીતે કે કોઈ જાણે કે બાંધતું હોય એવી રીતે સિર મે આકર વો ચીજ આપકો સમજ મે નહીં આયા યુ નો કે બાદ ફિર ડરાવને ચીજ ડરાવને સપને ડરાવને ડરાવને સપના આતે પછી એ તમને ડરાવે બીવડાવે એવા સ્વપ્ન આવવા લાગ્યા आज वो चीज कट के नीचे गिर गया वो कट होके वो खट होके नीचे गिर गया અને પછી એ કપાઈ ને નીચે પડી ગયું છે બાબત અને એ વસ્તુ કપાઈ ને નીચે પડી ગઈ છે થેન્ક યુ લોર્ડ જીસસ પ્રભુ ને આપકો આઝાદ કરી દિયા આમેન આમેન પ્રભુ કી શાંતિ મે જાઓ પ્રભુ કી શાંતિ હાલેલુયા તાળી બજાવીએ યીશુ કે લિયે યીશુ ના માટે તાળી વગાડીએ હાલેલુયા થેન્ક યુ લોર્ડ જીસસ પ્રભુ યીશુ તમારો આભાર